नमस्कार दोस्तों, डीवी अनलिमिटेड स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण हल कराया जा रहा है। तो दोस्तों, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने आज जो गणित का जो चैप्टर लिया है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, इस चैप्टर में बता दूं दोस्तों आपको टोटल 27 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एक ही पार्ट में देखेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी मैथ और इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई क्यूरी या डाउट हो तो आप अपने क्यूरी या डाउट हमको हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम नंबर पर भेज सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, बता दूं कि ये जो सीरीज चल रही है हमारी मैथ और रीजनिंग की, आने वाले एग्जाम रेलवे एनटीपीसी का जो फर्स्ट फेज का एग्जाम कुछ बाकी है वो, और एनटीपीसी सेकंड सीबीटी के लिए, प्लस रेलवे ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड वैकेंसियाँ बहुत सारी आने वाली हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए और यूपीएसआई से रिलेटेड ये सारी वैकेंसियों के लिए ये सीरीज मैथ और रीजनिंग की बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया, कहा गया कि पी एक व्यवसाय में 3500 रुपये का निवेश करता है, 5 महीनों के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ जाता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक हो तो क्यू का निवेश ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में जो कहा गया है कि यहाँ पे दो व्यक्ति बताए गए हैं, एक तो बताया गया है पी और दूसरा बताया गया है दोस्तों क्यू। अब कहा गया है कि पी जो एक व्यक्ति है तो ये कितना रुपया निवेश करता है कोई व्यापार शुरू करने में, 3500 रुपया का ये निवेश कर देता है व्यापार में काम शुरू करने के लिए। 5 महीनों के बाद क्यों कुछ निवेश के साथ उसमें जुड़ता है। अब जब 5 महीने के बाद क्यों इसमें मान लीजिए ₹1 लगा करके जुड़ा होगा और क्यों को मिलने वाला पी के लाभ से 50% अधिक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों, अगर एक वर्ष का हम देखें तो यहाँ पे जब यानी कि पी का जो 3500 रुपया लगा के रखा है वो पूरा एक साल के लिए लगा के रखा होगा, तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों हम एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए हमने 12 का मल्टीप्लाई कर दिया। और क्यू जो था मान लीजिए ₹1 लगा के व्यापार में 5 महीने बाद आया, तो यानी कि 5 महीने तक की पी का अकेला ही पैसा लगा था। तो यानी कि ये अब क्यू का एक साल में कितने महीने पैसा लगा रहा होगा ब्याज व्यापार में, यानी 5 महीने बाद आके जुड़ता है उनके साथ, तो यानी 7 महीने लगा रहा होगा। 5 महीने निकल गए पहले ही जो 5 महीने बाद आया, तो यानी 7 महीने उसका व्यापार में पैसा लगा था। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 7 × 35 यानी कि यहाँ पे ये 500 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इधर 12 और इधर हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, तो 12 × 60 हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 6000 और इधर हो गया हमारा x। अब क्वेश्चन में हमने इतना फाइंड कर लिया, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि Q को मिलने वाला लाभ यानी कि जो ये Q को जो लाभ मिलेगा, मान लीजिए Q को जो मिलने वाला लाभ है वो P के लाभ से, अब P को कितना मिल रहा है, Q को यहाँ पे x मिला, P को जो लाभ मिल रहा है वो 6000 मिल रहा है, तो P के मिलने वाले लाभ से 50% अधिक है। अब दोस्तों 50% अधिक है इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमने 100 में 50 जोड़ दिया, बटे परसेंट का चिन्ह हटा करके नीचे 100 बना दिया। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया, अब मल्टीप्लाई कर दें 60 और 150 का, तो यहाँ पे 15 × 96 हो जाएगा और यहाँ पे 2 जीरो हमारे और बन जाएंगे। तो फाइनली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 9000, यानी कि क्यों उस व्यापार में कितना रुपया लगाया था, 9000 रुपया व्यापार में लगा के शामिल हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों किसके साथ राइट हो जाएगा, पहले का सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में भी कहा गया है दोस्तों कि एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर के आधा निवेश करता है, 7000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कितने व्यक्तियों को बोला गया है, पी को कहा गया है, क्यू को कहा गया है और फिर आर को कहा गया है, ये 3 व्यक्ति हैं। तो इन 3 व्यक्तियों में दोस्तों अब कहा गया है कि एक व्यवसाय में पी जो है क्यू से आधा, पी जो लगाएगा वो क्यू से आधा रुपया लगाएगा, अब क्यू जो लगाएगा वो आर से आधा लगाएगा। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे दोस्तों आर 4 रुपया लगाया होगा तो आर से आधा क्यू लगाएगा, तो यानी कि क्यू 2 रुपया लगाएगा, अब क्यू से आधा पी लगाएगा तो पी कितना लगाएगा, 1 रुपया लगाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे कहा गया है
क्यूआर के आधार के निवेश करता 7,000 मासिक लाभ को, मासिक लाभ यहाँ पे कहा गया है दोस्तों, कौन सा लाभ कहा गया, मासिक, यानी कि एक महीने का लाभ बताया गया है, कितना हो रहा है 7,000, तो आर का हिस्सा हमको बताना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे मासिक लाभ हो रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे एक महीना का हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन सभी के साथ, तो दो इन सभी में जब हम एक का मल्टीप्लाई करेंगे, एक का एक महीने का, तो कोई डिफरेंट नहीं आएगा, यही आ जाएगा 1:2:4 ही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगर यहाँ पे दिया है इनका मासिक लाभ 7,000 रुपया है, तो इनको हम जोड़ें 4 2 6 1 7, तो ये 7 बराबर हो जाएगा हमारा 7,000 के, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 1,000 के, 1 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 1,000 के आ गया। तो हमको निकालना है आर का हिस्सा, तो आर यहाँ पे हमारा कितना था, 4 था, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4,000 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया, एक्स ने 8,000 रुपये का निवेश किया और वाई ने 10,000 रुपये का निवेश किया, 6 महीने बाद जेड भी 6,000 रुपये के निवेश के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो जाता है, यदि 3 वर्षों में 9,660 रुपये का लाभ होता है, तो जेड का हिस्सा हमको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे 3 व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं, एक तो एक्स बताया गया है, दूसरा वाई बताया गया है, तीसरा जेड बताया गया है। फिर कहा है कि एक्स ने 8,000 रुपये का निवेश किया, तो मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों एक्स जो है वो कितना रुपये लगाता है, 8,000 रुपये लगाता है, वाई लगाता है 10,000 रुपये लगाता है, 10,000 लगा दिया, 6 महीने के बाद जेड 6,000 रुपये लगाता है, 6 महीने के बाद जेड 6,000 रुपये लगाता है। अब दोस्तों 3 साल की बात कही गई यहाँ पे, 3 वर्षों में, तो यहाँ पे 3 वर्षों में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 वर्षों को हम लिख सकते हैं 12 36 महीने, और यहाँ भी 12 36 महीने, और यहाँ पे ये कितने महीने बाद लगाता है, 6 महीने बाद लगाता, तो 36 से दोस्तों यानी 3 साल में 6 महीने बाद ये जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 30 महीने के लिए इसका व्यापार में धन लगा था। तो हमने समय लगा लिख दिया कि दोस्तों कौन किसका किसका धन कितने कितने दिनों तक लगा रहा। अब हमको क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अगर देखें तो ये 3 1 4, यानी 3 0 हमने यहाँ से कट कर दिया, 3 0 यहाँ से कट कर दिया, 3 0 यहाँ से कट कर दिया। अब अगर देखें और ये किससे कट रहा है हमारा, तो ये दोस्तों हमारा कट जाएगा 6 से अगर कट करें दोस्तों, तो ये 6 5 30 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 6 36 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इधर 10 बचेगा, इधर मल्टीप्लाई 6 बचेगा, और फिर यहाँ पे दोस्तों 6 6 36 6 और इधर 8 बचा, और भी अभी दोस्तों हमारा कट रहा है, तो अगर इसको हम फिर कितने से कट कर दें, 6 से कट कर दें, तो जहाँ पे हमारा दोस्तों 6 से कट करेंगे, तो ये 6 ये 6 और ये 6 कट जाएगा, फाइनली अनुपात हमारा बन गया 8:10:5 बन गया इनका फाइनली अनुपात। हमको बताना है क्या, यदि 3 वर्षों में कुल इतने रुपये का लाभ होता है, तो जेड का हिस्सा बताना है दोस्तों, तो कुल कहा है, तो इसलिए हम इन तीनों का योग कर लेंगे, 10 8 18 18 5 दोस्तों हो जाएगा 23, बराबर हो जाएगा हमारा 96,9660 के हो जाएगा। तो 1 बराबर निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे, 9,660 बटे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब अगर 23 से इसको हम कट करें, तो ये हो जाएगा कितनी बार जाएगा, कितने एक बार जाएगा दोस्तों यहाँ पे, 23 चौको आ जाएगा 92, कितना आ जाएगा 92, तो ये 96 हमारा 23 चौको 92, 4 आ गया, और यहाँ पे बचा कितना, 4 बचा, और दोस्तों हो गया 46, और 23 2 46 यानी कि 420, तो यानी 23 से ये पूरा पूरा कट गया, तो 420 आ गया, तो 1 बराबर आ गया दोस्तों हमारा कितना, 420 आया। और जब 1 बराबर 420 आया दोस्तों, हमको जेड की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था, जेड का हिस्सा, तो जेड का हिस्सा इस जगह पे कितना है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 42 5 तो यानी हो जाएगा 2100 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि एक्स वाई और जेड 415 रुपये के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं, 3 व्यक्ति हैं एक्स वाई जेड, जो कितना रुपये लगा के खेत लेते हैं, 415 रुपये में किराए पर लेते हैं, ठीक है। फिर कहा गया है यदि एक्स उस खेत में 25 गायें 6 महीने के लिए,
और वाई जो है 40 गायें 8 महीने के लिए, जेड 30 गायें पूरे वर्ष के लिए घास चराते हैं, तो दिए गए किराए में वाई का हिस्सा। अब यहाँ पे दोस्तों वार्षिक किराए पर बात हुई थी और यहाँ पे 3 व्यक्तियों को नाम दिया गया है, एक्स, वाई और ये जेड, ये 3 व्यक्ति हैं। अब इन 3 व्यक्तियों में कहा गया है कि यदि एक्स उस खेत में 25 गायें कितने महीनों के लिए चराते हैं, 6 महीनों के लिए, और वाई 40 गायें चराता है 8 महीने के लिए, 40 गायें 8 महीने के लिए चराता है, और जेड 30 गायों को पूरे वर्ष के लिए चराता है, पूरे वर्ष यानी कि 12 महीने के लिए चराता है। अब अगर इसको हम सिंपल करें और यानी साधारण बनाएं तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों, अगर हम 3 से इसको कट कर दें, पहले 5 से कट कर देते हैं, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 × 8 = 40 हो जाएगा, 5 × 6 = 30 हो जाएगा। अब अगर देखें तो और भी हमारा किससे कट रहा है, हम अगर 2 से कट कर दें इसको, 2 × 3 = 6 और यहाँ पे इसको 2 × 4 = 8 और यहाँ पे 2 × 6 = 12, क्या अभी और ये कटेगा? अब ये मेरे ख्याल से दोस्तों नहीं कटेगा, कटेगा भी नहीं है, इनको गुणा कर लेते हैं तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 × 4 = 32 हो जाएगा और फिर यहाँ पे हमारा 6 × 6 = 36 हो जाएगा। तो इनका अनुपात बन गया हमारा 15, 32 और 36 के अनुपात हो गया। अब कहा गया है कि 415 रुपये वार्षिक किराए पर हमको वाई का हिस्सा बताना है, तो अब अगर इनको हम जोड़ें तो 30 × 30 = 60, 70 × 70 = 75, 75 × 6 दोस्तों हो जाएगा हमारा 81, 81 × 2 = 83। तो फाइनली हमारा आ गया 83 बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 415 के। तो हम यहाँ से 1 बराबर अगर निकालें तो हो जाएगा दोस्तों कितना, 5 आ जाएगा, 5 × 83 = 5 दोस्तों 415 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 41 दोस्तों कितना हो गया, 1 बराबर जब 5 आ गया, हमको निकालना क्या था, वाई का हिस्सा। तो यहाँ पे 32 हमारा ये वाई है, तो 32 में हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 160 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि ए और बी क्रमशः 12,000 और 6,000 रुपये का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं, 8 महीने बाद 15,000 रुपये की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है, 2 वर्षों बाद 33,600 रुपये के लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कितने व्यक्ति बताए गए हैं, 3 व्यक्ति, ए बी और ये सी, 3 व्यक्ति बताए गए हैं। ए जो लगाता है यहाँ पे 12,000 रुपये लगाता है और बी जो लगाता है यहाँ पे दोस्तों 6,000 रुपया लगाता है और सी जो है 8 महीने के बाद, और यहाँ पे टोटल बिजनेस कितने सालों के लिए किया जाता है, 2 वर्षों के लिए टोटल बिजनेस किया जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ए की जो पूंजी लगी रही होगी वो पूरा 24 महीने के लिए लगी रही होगी, यानी 2 साल में 24 ही महीने होंगे। ऐसे ही दोस्तों हमारा बी में भी 24 महीने के लिए बी की भी पूंजी यानी 6,000 रुपये लगी थी, और जो सी है, सी की जो कितनी पूंजी लगा के शामिल होता है, 15,000 रुपये लगाता है और यहाँ पे कितने महीने बाद, 8 महीने बाद इसमें शामिल हो जाता है। तो यानी कि अब 24 यानी 2 साल था, 2 साल में हम दोस्तों क्या करेंगे, यानी कि 8 महीना कम कर देंगे, तो जब 8 महीना कम कर देंगे दोस्तों 12×4 = 16 महीने बचेगा। तो यानी कि सी की पूंजी 16 महीने तक लगी थी। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, यहाँ भी 3 जीरो कट जाएंगे, यहाँ भी 3 जीरो कट जाएंगे। अब अगर देखें तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको 8 से कट कर दें दोस्तों तो 8 × 2 = 16 हो जाएगा, 8 × 3 = 24 हो जाएगा, यहाँ भी 8 × 3 = 24 हो जाएगा। और अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 से कट कर दें तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3×5 = 15 हो जाएगा। अब और भी ये कट रहा था दोस्तों, कट कर दें ये 2 और ये 2 और यहाँ से ये 2 बार में कट जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 × 3 = 6 आ गया और यहाँ पे हमारा 3 आ गया, यहाँ पे हमारा 5 आ गया। 6:3:5 के अनुपात में इस क्वेश्चन का हमारा रेशियो बना। अब कहा गया है सी का लाभ बताइए और टोटल लाभ हमको कितना हो रहा है, 33,600 का टोटल लाभ हो रहा है। तो जब टोटल लाभ इतना हुआ है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सबको ऐड करके 6×3 = 9,500 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 बराबर हमारा हो जाएगा 33,600 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम 1 बराबर निकालें तो 14×2 = 28 हो जाएगा और बचा यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 बचा और 14×4 = 56 यानी कि 2400 हो गया। अब इतना हमारा आ गया, 1 बराबर आ गया कितना, 2400 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब जब 1 बराबर 2400 है तो हमको सी का भाग कितना होगा, हमको ये बात बतानी है।
तो सी का भाग यहाँ पे कितना था दोस्तों, 5 था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा, यानी कि 12,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। जब 5 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 12,000। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि पी क्यू आर 35,000, 45,000 और 55,000 निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, 40,500 के वार्षिक लाभ में उनका संगत हिस्सा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तीन व्यक्ति बताए गए हैं, पी क्यू और फिर यहाँ पे दोस्तों आर, ये तीन व्यक्ति बताए गए हैं। तो पी का जो हिस्सा है दोस्तों यहाँ पे 35,000 दिया गया है, क्यू का दिया गया है 45,000 दिया गया है, और आर का जो दिया गया है वो 55,000 दिया गया है। अब क्या करते हैं, निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, ठीक है, 40,500 के वार्षिक लाभ। अब यहाँ पे दोस्तों वार्षिक की बात कही गई है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम सभी में क्या करेंगे, वार्षिक लाभ यानी कि 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोस्तों 12 का अगर मल्टीप्लाई हम ना भी करते तो हमारा कोई फायदा नहीं, फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि अगर हमने 12 का मल्टीप्लाई कर भी दिया दोस्तों, तो ये सब हम उनको कट कर देंगे, आपस में सब एक दूसरे से कट जाएंगे, तो भी हमारा कोई मतलब नहीं निकला। तो चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अब हम 35,000 के 3 जीरो, 45,000 के 3 जीरो, 55,000 के 3 जीरो कट कर दिए। अब अगर इसको देखें तो ये हमारा 5 से कट जाएगा, 5 सते 35, और ये हमारा 5 नवा 45, और ये हमारा 5 ग्यारह हम कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो फाइनली अनुपात जो हमारा बना, ये 7:9:11 का इनका अनुपात बन गया। हमको निकालना क्या था, सभी का हिस्सा निकालना है। अब इनकर इनको सबको जोड़ करके हम 40,500 के इक्वल कर दें, क्योंकि टोटल लाभ में से इनको बांटना है। 11:9 कितना हो जाएगा, 20 20 7 हो जाएगा 27। 27 बराबर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 40,500। अब दोस्तों यहाँ से हमारा 27 बराबर 40,500 दिया गया, तो हम 1 बराबर जब निकालेंगे तो 27 इसको कट करेंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा यानी कि यहाँ पे 1500 आ जाएगा। 15 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 405 आ जाएगा। आगे एक जीरो हमने भी बना दिया, अगर करके दिखाता हूँ मैं आपको, 15 सत्ते 105, ये 5 हो गया, हासिल लगा दोस्तों 10, 15 दुए 30 10 40, यानी कि 1500 बार में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे 1 बराबर हमने निकाल लिया 1500। अब हमको सबका बारी बारी से निकालना है, तो एक बार हम 1500 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 सत्ते 105, यानी कि ये हो गया हमारा पी का हिस्सा। अब आगे हम क्यू का निकालेंगे, 15 9 135, आगे 2 2 जीरो, तो ये आ गया हमारा क्यू का हिस्सा। अब अगला हम निकालेंगे आर का हिस्सा, तो आर का हिस्सा हो जाएगा 15 × 11 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 ही रहेगा, और 5 × 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि 16,500 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 10,500, 13,500, 16,500, यानी डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि सूरभ ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपया और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपये निवेश के लाभ में दोनों का अनुपात। तो अब यहाँ पे देखिए, एस से हो गया सूरभ और यू से हो गया उर्वा। अब ये क्या करते हैं, 5 महीने के लिए 6,000 रुपया ये लगाती है, यानी कि 6,000 रुपया कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए लगाया, और उर्वा ने 5,000 रुपया कितने दिनों के लिए लगाया, 6 महीने के लिए लगाया, यहाँ पे 6 महीने के लिए लगाया। लाभ का अनुपात बताना है, ये दो जीरो कट गए, 6 × 5 = 30 ये हो जाएगा, 6 × 5 = 30 ये हो जाएगा, तो यानी कि 30:30 बना, तो यानी 30 से 30 कट गया, तो 1:1 बन गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया, क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि कितनी है। तो यहाँ पे हमको बताना है, पी और ये क्यू, ये दो व्यक्ति हैं, यहाँ पे 5:13 के अनुपात में व्यापार में पूंजी लगा करके निवेश कर जाते हैं। फिर कहा गया है क्यू ने 6 महीने बाद, क्यू क्या करता है, 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल लेता है, तो यानी कि क्यू की जो पूंजी लगी थी दोस्तों, तो कितने दिनों के लिए लगी थी, 6 महीने के लिए ही लगी थी। क्यू की जो पूंजी लगी थी तो कितने दिनों के लगी थी दोस्तों, वो 6 महीने के लिए लगी थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू में हम 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद शामिल हो, तो इसका मतलब 6 महीने के लिए लगी थी। और फिर यहाँ पे कहा गया है कि पी की राशि की,
पी की राशि को कितने समय के लिए उपयोग किया गया। अब ये जो पी जो अपना ये इतना रुपया लगा के रखा, ये कितने समय तक के लिए लगा के रखा था। तो मान लिया यहाँ पे हमने समय मान लिया एक्स समय के लिए इसने लगा के रखा था। तो अब अगर इसको हम हल करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5x अनुपात 13 छंग दोस्तों कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, छंग 78 हो जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे हमारा अनुपात इनका ये आ गया, हमको इस इनका जो लाभ है 25:26 के अनुपात में बटा है, तो ये 5x बटे हम कर दें यहाँ पे कितना दोस्तों 78 कर दिया हमने, और यहाँ पे यह बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पे 25 बटे दोस्तों दिया गया है 26। अब अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो 3×78 हो जाएगा, 13×2 26 हो जाएगा, 2 से भी और ये 3 बार में कट जाएगा, और ये 5 से हमारा 5 बार में कट जाएगा, तो 3×5=15। तो फाइनली x की वैल्यू आ गई 15। अब ये जो आई है ये सब महीने में दी गई थी, इसलिए दोस्तों 15 महीने हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये होना चाहिए महीने। तो 15 महीने यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दोस्तों जो दिया गया है, कहा गया है कि ए और बी क्रमशः 50,000 और 60,000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स महीनों के बाद सी भी 70,000 रुपये निवेश करके उसमें उसके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में एक्स महीने पहले बी इस साझेदारी से निकल जाता है। यदि वे 20:18:21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों फिर तीन व्यक्ति बताए गए हैं, ए बी और सी। ये तीन व्यक्ति हैं, जो ए लगाता है रुपया वो 50,000 रुपया लगाता है दोस्तों, और बी जो लगाता है यहाँ पे 60,000 रुपया लगाता है, और एक्स महीनों के बाद सी कितना लगा देता है दोस्तों 70,000 रुपया लगाता है। 70,000 रुपया लगा करके कौन शामिल हो जाता है, यानी कि सी शामिल हो जाता है। अब हमको यहाँ से ये बात बतानी है, क्वेश्चन में कहा गया है कि मतलब कितने दिनों के लिए बात बताई गई है, एक वर्ष के लिए बात बताई गई। यहाँ पे कहा एक्स महीनों के बाद सी भी 70,000 रुपया निवेश करता है। अब दोस्तों अगर एक्स महीने के बाद, तो मान लीजिए अगर एक साल के लिए पूरा व्यापार में पैसा लगा रहा होगा तो एक्स महीने के बाद, तो यानी कि 12 यानी एक साल में 12 महीने होंगे, तो 12 महीने से हम एक्स महीना घटा दें, तो यानी इतने समय के लिए यहाँ पे क्या लगी थी, ये सी की पूंजी लगी थी 12 महीनों से। हमने एक्स कहा ना कि यहाँ पे x महीने बाद, तो यानी 12 से हमने x घटा दिया, अब जो बचेगा उतने समय के लिए यहाँ पे c की पूंजी लगी थी। फिर कहा गया है साथ उनके साथ जुड़ जाता है, वर्ष के अंत में x महीने पहले b भी इस साझेदारी से निकल जाता है। अब कहा गया है कि जब वर्ष के अंत में, जब यानी वर्ष का अंतिम समय आ जाता है, तो उस समय पे यानी कि x महीने बाद b भी निकल जाता है, तो अब बी को भी हम क्या करेंगे, एक्स महीने बाद बाहर कर देंगे। तो यानी कि 12 महीने का काम था, वहाँ पे एक्स महीने बाद निकल गया, तो 12-X इसको भी हमने कर दिया। और जो ये ए बचा, तो ए की पूंजी पूरी पूरी 12 महीने के लिए लगी थी। अब अगर इसको सॉल्व कर लें हम, तो ये 4 जीरो और ये 4 जीरो आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर आ गया 12×60 आ गया। यहाँ पे हमारा आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6×12-X आ जाएगा, और सी में आ जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पे 7 और यहाँ पे 12-X आ गया। ये तो आ गया इनके रेशियो का अनुपात आ गया। अब कहा गया है कि यदि इनके अनुपात को 20:18:21 के अनुपात में लाभ का साझा करते हैं तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों एक्स का मान ज्ञात करने के लिए ये हम ए और सी को लेके हल कर लेंगे तो भी हमारा एक्स का मान आ जाएगा, ए और बी को लेकर के हल कर लेंगे तब भी हमारा मान आ जाएगा, एक्स का मान निकल आएगा। तो चलिए हम हल करते हैं, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू दिया, ए बटे बी कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 12×72 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई भी ना करें, हमने इसको लिख दिया क्या दोस्तों, लिख दिया 12 ही लिख देते हैं, क्या कर देते हैं इसको हम 12 ही बना देते हैं, ये 12 हो जाएगा, 12-X, और बाहर हमारा कितना लगा है 6। अब हम क्या करेंगे, अब a और b हमने लिया है, तो ये a बटे b यानी कि 20/18 भी हम कर देंगे, 20/18 भी हमने कर दिया। अब दोस्तों हमने 6 का मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया था कि अभी हम क्या करेंगे, ये 6 से इस 18 को कट कर देंगे, इसलिए हमने वहाँ पे रोक कर दिया था, नहीं तो गुणा भी कर सकते थे। यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करें, 20, 23, 60 यानी 3 यहाँ पे आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3×3 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, अब बराबर हमारा आ जाएगा 12-X आ जाएगा। अब -X को जब हम इधर लेंगे तो इधर आ जाएगा +X, और 9 को उधर जाएगा तो 12 में हमारा
घट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो x का मान हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, 3, यानी कि तो x का मान कितना होगा 3, यानी कि 3 हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि P और Q क्रमशः 1400 और 1800 के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, वे लाभ के आधे हिस्सों के व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं, यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 46 है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों कहा गया है क्वेश्चन में दो व्यक्ति हैं, पी कहा गया है और एक व्यक्ति हमारा क्यू है। अब जो P और Q हैं इनका जो कहा गया है कि जो अपना निवेश लगाते हैं कोई व्यापार शुरू करने में तो 1400 रुपये लगाता है और 1800 रुपये Q लगाता है। अब फिर बाद में कहा गया है कि ये जो लाभ होता है टोटल, उस लाभ का आधा हिस्सा व्यापार को चलाने के लिए रख लेते हैं और आधा हिस्सा अपने आनुपातिक निवेश लाभ के अनुसार बांट लेते हैं। और फिर कहा गया इनके मतलब क्या है, उनके लाभ जो होता है उनके लाभ का हिस्सा क्या होता है 47 है, तो हमको बताना है कुल लाभ कितना हुआ होगा। तो अब अगर इनको हम सॉल्व कर लें, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, दो से 100 कट करेंगे तो 2 × 7 = 14 और 2 × 9 = 18, तो फाइनली हमारा पी और क्यू का अनुपात आ गया 7 : कितना आ गया 9 आ गया। अब जब 7:9 आ गया तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसके साथ x मान लेते हैं, इसके साथ भी x मान लेते हैं, अब यहाँ पे करते हैं ऐसा हम 7x/2, अब कहा गया इनका अंतर तो 9x/2, यानी कि इनका हमने आधा अंतर कर दिया और आधा बचा दिया। अब इनका अंतर कितना दिया गया, 47 दिया गया है। अब 9 से 7 घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारा 2x/2 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 47, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 47। x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 47। अब क्या करना है, तो कुल लाभ हमको ज्ञात करना है, तो x बराबर 47 हमको पता हो चुका है, तो कुल लाभ यहाँ पे दोस्तों एक था हमारा 7x, एक था 9x, तो अब अगर हम ये 7x और 9x का ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा 9 × 10 = 16x बन जाएगा। अब 16x में हम क्या करें, x का वैल्यू 47 पुट करके आंसर निकाल लेते हैं, तो जब 16 और 47 का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों हमारा आ जाएगा यानी कि 752 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे किसके साथ हो जाएगा राइट, यहाँ पे ए नंबर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 752। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि ए बी सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया, उनके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6 था, तो तीनों के लाभ का अनुपात। अब दोस्तों यहाँ पे ए बी और सी का जो पूंजी का निवेश का अनुपात है 2:3:5 था और इनके उनके मतलब जो ये लाभ का अनुपात, ये पूंजी का अनुपात ये बताया गया और उनके समय का अनुपात बताया गया है दोस्तों कितना, मतलब 4:5:6 तो क्या करेंगे, इन दोनों गुणा, इन दोनों को गुणा और इन दोनों गुणा, यानी कि 4 × 2 = 8 हो जाएगा और यहाँ पे 3×5 = 15 हो जाएगा और 6×5 = 30 हो जाएगा। अगर इसको हम कट करें तो ये कट नहीं होगा, यही हमारा इसका अनुपातिक आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा 8:15:30 हमारा ऑप्शन नंबर सी में मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों 11 + C के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि उर्मी और लोकेश ने क्रमशः 11,250 और 13,125 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक को अपने निवेश के 8 महीने बाद अपना निवेश निकालना पड़ा, अगले 12 महीनों के लाभ को दोनों में किस अनुपात में बांटा जाएगा। अगले 12 महीने यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक साल की बात कही गई है, तो हमको बताना है कि अगले एक साल बाद हमको इनका जो लाभ होगा उनको किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यू से हो गया हमारा उर्मी और एल से हो गया हमारा लोकेश, तो उर्मी यानी कितना रुपये लगाती है, 11,250 रुपये लगाई उर्मी, 11,250, और यहाँ पे लोकेश लगाता है 13,125 रुपये लगाता है। फिर कहा गया निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक को अपने निवेश के 8 महीने बाद अपना निवेश निकालना पड़ा। अब मान लेते हैं दोस्तों ये जो उर्मी थी इसका निवेश पूरा 12 महीने के लिए लगा था, और लोकेश का मान लेते हैं दोस्तों इसका ये 8 महीने बाद अपना व्यापार से पैसा निकाल लेता है, तो यानी कि 8 महीने बाद निकालता है, तो इसका मतलब 8 महीने तक तो इसका पूंजी लगा ही था ना, इतने रुपये की जो पूंजी थी वो 8 महीने तक तो लगी ही थी, तो हमने 8 महीने के लिए 8 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये सब फाइनली हमारा सॉल्व करने पर आएगा, इसको यहाँ पे 4 × 8 आ जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। अब अगर इसको हम 25 से कट कर दें दोस्तों, तो 25 चौको हो जाएगा 100 और यहाँ बचेगा 12,
और फिर हो जाएगा 25 पंचे 125, यहाँ पे हो गया 450 मल्टीप्लाई 3 बन गया। अब यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 25 पंचे 125 हो गया दोस्तों यहाँ पे 6, तो ये बन गया 625, तो 25 25 625, तो ये हो गया। अब अगर दोस्तों अभी हम और भी इसको कट करें तो ये हमारा और किससे कट जाएगा, तो अगर इसको देखें तो 25 51 25, और यहाँ पे हमारा कितना बचा 25 10 35, अब 25 10 35 10 45 200 बचा, यानी कि भी 25 से हमारा और कट जाएगा, 25 51 25, तो अब बचा कितना 25 हमारा 45 से निकल जाएगा, 20 बचेगा, हो गया 2 25 8 200 मल्टीप्लाई 3, और फिर यहाँ पे दोस्तों देखें तो 25 2 25, 25 51 25 मल्टीप्लाई दोस्तों 2। अब और भी इसको हम कट करें तो ये हमारा कट जाएगा 3 से, तो 18 और यहाँ पे 3, और फिर यहाँ पे 321 और यहाँ पे 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो यानी 6 3 18 हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18:14। अभी हमारा और भी कट रहा है तो अब हम क्या करेंगे, इसको और भी कट कर देंगे, तो 2 9 18 और यहाँ पे 2 7 14, 9:7 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि जो उनका लाभ का अनुपात होगा हम इस अनुपात में उसको बांटेंगे, 9:7 ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि तरुण और तपन ने क्रमशः 13,000 और 19,500 के निवेश के साथ साझेदारी की शुरुआत की, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 माह के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा, 12 महीने का लाभ दोनों में किस अनुपात में साझा किया जाएगा। तो फिर दोस्तों यहाँ पे 12 महीने यानी कि 1 साल के ही लिए बताया गया है। अब पहला नाम दोस्तों यहाँ पे क्या है, तरुण है, यानी हमने पहला नाम तरुण लिख लिया, और फिर दूसरा हमारा नाम यहाँ पे तपन है, हमने तपन लिख लिया। कहा गया है क्वेश्चन में तरुण जो है 13,000 रुपये, तो हमने यहाँ पे 13,000 रुपये लगा दिया, और फिर तपन जो है 19,500, तो हमने 19,500 लिख दिया। अब कहा गया है कि तपन को 8 माह के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा, यानी कि इस यानी तपन को 8 महीने के बाद वापस लेना पड़ा, तो यानी 8 महीने तक तो ही दोस्तों उसका ये लगा ही था, और तरुण का यहाँ पे 12 महीने के लिए लगा था। अब दोस्तों ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया, और 4 3 12 4 2 9 8 हो गया। अब अगर देखें तो इसको हम किससे कट कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम इसको कट कर दें, 5 से कट कर दें दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 9 10 और 5 6 30 आ जाएगा, और इसको भी 5 से कट कर देते हैं तो 5 3 15 आ जाएगा, 4 हो गया, 5 9 45 हो जाएगा। अब देखें तो ये बन जाएगा हमारा दोस्तों, यहाँ से 2 से भी ये कट रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, और ये हमारा 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे हमारा 1 बचा, और यहाँ पे जब 3 से कट करेंगे 3 1 9 3 3 3 9। अब दोस्तों ये 13 और ये 13 फिर हमारा कट जाएगा, तो फाइनली आ गया 1:1 में हमारा इस अनुपात का लाभ में साझा होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 रुपये का निवेश किया, कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया, वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में उन दोनों में विभाजित किया गया था, श्यामदास व्यापार में कितने महीनों बाद शामिल हुआ, हमको ये बात बतानी है। क्या कहा गया है दोस्तों यहाँ पे व्यापार में, यानी कि कितने महीने बाद शामिल हुआ है। अब फिर से यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले एक नाम बताया गया है रामदास, हमने यहाँ पे रामदास नाम लिख लिया, फिर दूसरा नाम बताया गया है श्यामदास, हमने यहाँ पे श्यामदास अगला नाम लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे रामदास और श्यामदास जो यहाँ पे हैं, दो व्यक्ति हैं। रामदास क्या करता है, कॉस्मेटिक व्यवसाय 90,000 से शुरू करता है, यानी यहाँ पे हमने 90,000 रुपया लिख लिया। फिर कहा गया है का निवेश किया, कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 रुपया लगाता है, यानी कि कुछ महीने बाद यहाँ पे 30,000 रुपया लगाता है श्यामदास, लगाकर व्यापार में साझेदार हो जाता है, वर्ष के अंत में। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात कह दी गई है वर्ष के अंत में, इसका मतलब हमको ये बात पता चल गई कि इस क्वेश्चन में हमको कितना समय बताया गया है, 1 वर्ष का बताया गया है, तो 1 वर्ष के बाद उनका अनुपात जो है दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाता है, 4:1 के अनुपात में हो जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कुछ समय बाद श्यामदास, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यानी कि रामदास का वेतन जो लगा पूंजी लगी थी वो पूरी पूरी 12 महीने के लिए लगी थी, और जो श्यामदास की दोस्तों जो लगी होगी, इसने कहा कुछ महीने बाद 30,000 रुपया श्यामदास लगा के शामिल होता है, अब कुछ महीने बाद मान लेते हैं, माना एक्स महीने बाद वो शामिल हुआ होगा, तो 12 से हम अगर क्या कर दें दोस्तों, तो एक्स को घटा दें तो
तो हमको ये यानी कि कुछ महीने बाद हमने मान लिया क्या x महीने बाद, तो 12 से x घटा देंगे तो हमको ये बात पता चल जाएगी कि यहाँ पे इतने महीने बाद श्यामदास ने पूंजी लगाई होगी। तो अब इनका अनुपात का जो लाभ है 4:1 था, अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ के 4 जीरो और यहाँ के 4 जीरो हमने कैंसिल कर दिए और ये 3 से और ये हमारा 9 कट जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करें तो 12 3 दोस्तों हो जाएगा 36 और यहाँ पे आ जाएगा 12 - x। तो दोस्तों इनका अनुपात हमारा बन गया 36:12 - x, ये हमारा क्या बन गया अनुपात। अब इन्हीं के अनुपात को हमको क्या करना है, 36 बटे हम कर सकते हैं इसको 12 - x और इनका अनुपातिक लाभ यहाँ पे कितना बताया गया था 4:1, तो हम क्या कर देंगे 4:1 कर देंगे। अब दोस्तों इसको 4 से कट कर देंगे तो 4 9 36 हो जाएगा, तो फाइनली इसको हल करने पे आ जाएगा 12 - x बराबर आ जाएगा 9। अब ये 9 को हम इधर ले लेंगे तो 12 - 9 बन जाएगा, x को उधर जाएगा तो प्लस में x हो जाएगा, 12 से 9 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा x बराबर 3 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 3, यानी कि 3 महीने बाद श्यामदास उस व्यापार में शामिल हुआ होगा। कितने महीने बाद दोस्तों 3 महीने बाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपए के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए, हमको ये बात बतानी है। उमर और अविनाश, यानी यू से हो गया उमर और ए से हो गया अविनाश, क्या करता है यानी कि ये पूंजी लगाते हैं कितना 10,000 इसने एक ने लगाया और एक ने लगाया यहाँ पे 15,000 रुपया लगाया। तो अब फिर आगे कहा गया है दोस्तों कि निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, ठीक है, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद, अविनाश क्या करता है 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लेता है, यानी कि इसका निवेश अविनाश का 8 महीने के लिए ही लगा रह गया और तो इसका क्या हुआ 12 मास का लाभ में दोनों में किस अनुपात बांटा जाएगा। तो यानी कि उमेश का जो यानी उमर का जो अनुपात होगा वो 12 महीने के लिए पूरा लगा था। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 3 जीरो ये और इसके 3 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। अब दोस्तों ये आ जाएगा 4 2 8 और 4 3 12 और यहाँ पे हमारा बच, तो अब यहाँ पे हमारा ये बचा दोस्तों और इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 10 बचा। अब इसको सॉल्व कर दें और अगर 3 5 15 हो जाएगा और यहाँ से हमारा 2 5 10 आ जाएगा तो 5:5 हमारा आ गया। 5:5 को भी हम कट कर देंगे तो क्या आ गया दोस्तों हमारा यहाँ पे 1:1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि श्री ए ₹28,000 का निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं और श्री बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होते हैं, उसके अगले 2 महीने बाद श्री सी भी इसमें शामिल होते हैं। यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात 4:2:3 है तो श्री बी और श्री सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी होगी, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि श्री ए ने 28,000 रुपये का निवेश कर व्यापार शुरू किया, तो श्री ए मान लेते हैं दोस्तों कितना रुपया लगाता है 28,000 रुपये लगाता है। यहाँ पे पहले हम नाम लिख लेते हैं ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अब श्री ए कितना लगाता है 28,000 रुपये लगाता है, अब वो भी यानी कि ये पूरा 1 वर्ष के लिए लगाता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया यानी कि 12 का मल्टीप्लाई कर दिया श्री ए के लिए। अब कहा गया श्री बी इस व्यापार में 5 माह बाद शामिल होते हैं, तो यानी कि 5 माह बाद दोस्तों शामिल होंगे तो इनकी पूंजी क्या होगी 7 महीने के लिए लगी होगी, तो यानी कि माना इनकी पूंजी रही होगी कोई पूंजी x रही होगी, क्या रही होगी x, और ये कितने महीने के लिए लगी थी इनकी पूंजी 7 महीने के लिए लगी थी। अब जो अगला ऑप्शन है सी, यानी कि श्री सी इसमें शामिल होते हैं कितने महीने बाद शामिल होते हैं अगले 2 महीने बाद, कहा गया यहाँ पे क्या कहा गया अगले 2 महीने बाद, यानी बी अगले 5 महीने बाद हुआ था तो ये अगले 2 माह बाद और, तो 5 2 7 महीने बाद इसका मतलब शामिल हुआ कौन सी 5 साल इसका जो बीक में बताया गया फिर उसके 2 महीने बाद अगले 2 महीने बाद, तो 5 2 7 महीने बाद शामिल हुआ होगा, तो यानी इसकी पूंजी लगी रही होगी माना इसकी पूंजी वाई रही होगी और इसकी पूंजी यानी लगी थी 7 महीने बाद यानी कि 5 महीने के लिए लगी थी। तो अब दोस्तों क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये जो दिया गया है, अब ये 28,000 मल्टीप्लाई यहाँ पे 12,000 ये आ जाएगा 7x और यहाँ पे आ जाएगा 5y आ जाएगा।
तो अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में एक बात हमको और भी बताया गया है कि यहाँ पे कहा गया है कि इनका जो लाभ का अनुपात दिया गया है 4:2:3 के अनुपात में दिया गया। अब दोस्तों जो इनका लाभ का अनुपात दे रखा है, यहाँ पे निवेश का अनुपात था, ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, ये निवेश का अनुपात है। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात दिया है दोस्तों 4:2:3 दिया गया है। ये क्या दिया है, लाभ का अनुपात दे रखा है। अब यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है कि अब अगर इनके साथ हम दोस्तों कुछ मान लेते हैं, हमने इसके साथ पी मान लिया, इसके साथ भी पी मान लिया और इसके साथ भी पी मान लिया, तो यहाँ पे अब ए का हमारा ये वैल्यू दिया गया निवेश और ये लाभ दिया गया, तो इसके हम इक्वल कर देते हैं, तो 4P बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 28,000 × यहाँ पे 12। तो अब दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4×7=28 और यहाँ पे 28,000 × कितना हो जाएगा 12, तो पी बराबर आ जाएगा 68,000 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। राइट आंसर क्या, अभी दोस्तों तुमको और भी निकालना है ना, अभी या तो हमने पी का मान निकाला, ए का निवेश हमने निकाल लिया कितना, तो अब ये तो हमने यहाँ से दोस्तों क्या निकाला, पी का मान निकाल लिया। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो था हमारा ए वाला व्यक्ति था, अब हम बी वाले व्यक्ति की कहाँ निकालते हैं, बी वाला जो हमारा है दोस्तों 2P, तो पी का मान हमने यहाँ पे 84 निकाला है, 84,000 रख दिया, और यहाँ पे ये 2P की जगह पे हमने ये 2 रख दिया, पी की मान जो हमने निकाला वो रख दिया, और यहाँ पे 2P यानी कि बी का वैल्यू और यहाँ पे निवेश कितना था 7x था, हमने 7x कर दिया, तो 7 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये कटेगा 7 × 7 = 7, 7×2 = 14 हो जाएगा, यहाँ पे 12,000 बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई दोस्तों 2, तो यहाँ पे एक्स का मान बन गया 12×2=24,000 हमारे इस क्वेश्चन का, एक हमारा आ गया, बी का हिस्सा कितना आ गया 24,000, ये हो गया। अब ऐसे ही दोस्तों हम सी का हिस्सा निकालेंगे, किसका निकालेंगे, सी का, तो सी का यहाँ पे दोस्तों दिया गया है 3P, पी का मान हम फिर रख देंगे 84,000, और फिर आगे जो हमारा इनका निवेश कितना था 5Y था, कितना था दोस्तों 5Y हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, 5 से इसको हम कट करेंगे, तो 5×5 हो जाएगा, 5×6=30 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 4×5=40 हो जाएगा, और 00 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। अब यहाँ पे हमारे ये y बराबर निकल रहा है, 3 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3×0=0, 3×0=0, 3×8=24 की 4 हाँ से लगा, 2×3=18, 2×20=0 हाँ से लगा, फिर दोस्तों 2×3=3, 2×5 यानी कि ये y का वैल्यू आ गया 50,000, कितना आ गया 400, 50,400, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे पूछा किसका गया है, बी और सी का हमको निवेश पूछा गया है, तो बी का निवेश हमने निकाल लिया 24,000 और वाई का यानी कि सी का निवेश निकाल लिया 50,400, ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा है कि 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था, अगले वर्षों में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की, चरण एक में उन्हें ₹1,00,000 और चरण 2 में उन्हें 80,000 प्राप्त हुए, उनका प्रारंभिक पूंजी निवेश हमको बताना है कितना रहा होगा। तो अगर यहाँ पे देखें हम प्रथम और द्वितीय चरण में उनको टोटल कितना निवेश मतलब वो वसूली कर चुके हैं, प्रथम और सेकंड को मिलाकर के कुल वसूली क्या हो जाएगा, कुल वसूली हम देखते हैं कि टोटल वसूली कितनी हो गई होगी। पहले चरण में ₹1,00,000 की वसूली होती है और दूसरे चरण में 80,000 की वसूली होती है, तो टोटल ये बन जाएगा कितना, 1,80,000 हमारा बन जाएगा टोटल वसूली हो जाएगी, कितनी हो जाएगी टोटल वसूली, 1,80,000। अब क्वेश्चन में कहा गया था 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ है, अगले वर्षों में उन्हें 2 चरणों में धन हानि की वसूली की, चरण एक में इतना और इतना, उनकी प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या थी। अगर यहाँ पे हम मान लें कि प्रारंभिक पूंजी जो रही होगी दोस्तों, हम मान लेते हैं प्रारंभिक पूंजी कितनी रही है, मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं, प्रारंभिक पूंजी एक्स थी, क्या थी, एक्स थी। अब क्या कहा गया है कि इस एक्स में, ये तो कह रहा हूं दोस्तों 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का यानी कि उसने ₹1 निवेश किया होगा, तो उसको उसमें क्या हुआ, 60% नुकसान हुआ, तो एक्स में उसको 60% का जब नुकसान हुआ, तो बाद में उसने कितना धन यानी कि प्राप्त कर लिया है, यानी वसूल लिया है, 1,80,000 रुपये वसूल कर लिया है। अब इसको अगर सॉल्व कर दें तो ये x 60% का 60/60 हो जाएगा यहाँ पे 100, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 18 यानी कि 1,80,000, तो ये हो गया दोस्तों। अब अगर हम ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दें और 6 से हमारा ये हो जाएगा 6×3=18 यानी कि 4 0 आगे हम बना रख के रखेंगे।
तो अब दोस्तों यहाँ पे x बराबर बनाएंगे तो 3 बना करके हो जाएगा ये 4 जीरो और एक जीरो ये, यानी कि 3 लाख हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दोस्तों बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है यहाँ पे कहा गया है कि एक स्पोर्ट्स एक्सेसरीज की दुकान है, किसकी दुकान है, स्पोर्ट एक्सेसरीज की दुकान है, तुरंत पंजीकरण हेतु ₹200 के प्रवेश शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करती है, वे 300 प्रविष्टियों की उम्मीद कर रहे थे और प्रतियोगिता के दिन 200 हुए, उनकी 300 प्रविष्टियों की शुरुआती अपेक्षाओं की तुलना में प्रवेश में उन्हें कितना कम पैसा मिला। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों एक प्रतियोगिता होती है, कोई एक मान लो टूर्नामेंट होता है, वो भी टूर्नामेंट किस चीज़ का है, दौड़ का टूर्नामेंट है, उसमें दौड़ होगी। उस दौड़ में जैसे मान लेते हैं हमने दौड़ का टूर्नामेंट आयोजन किया और हमने उम्मीद किया कि लगभग 300 लोगों लोग इसमें पंजीकरण कराएंगे, एक पंजीकरण कराने का हमने शुल्क कितना रखा दोस्तों, ₹200 उसका पंजीकरण शुल्क रखा। हमको उम्मीद थी कि लगभग 300 पंजीकरण हो जाएंगे, लेकिन जब दौड़ जिस दिन शुरू हुई, जिस दिन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, उस दिन हमको पता चला कि टोटल 200 ही बच्चे 200 लोग ही पंजीकरण कराएं। तो हमको बताना है कि हमारी जो अपेक्षा थी 300 लोगों की, उस अपेक्षा से हमको कितना धन कम मिला, यानी कितना पैसा कम मिला। तो अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे, यानी कि एक पंजीकरण की ₹200 शुल्क है और यहाँ पे 300 पंजीकरण होने की हमको उम्मीद थी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, यानी कि ये आ गया हमारा ₹60,000। हमको हमारी उम्मीद थी कि ₹60,000 हम अर्न करेंगे, और लेकिन यहाँ पे जब पंजीकरण शुरू हुआ तो ₹200 में पंजीकरण हम कर रहे हैं और टोटल कितने पंजीकरण हुए, 200 ही पंजीकरण हुए। तो यहाँ से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा, यानी कि हमारी उम्मीद थी 60,000 आने की, लेकिन हमको मिला कितना, 40,000 मिला। तो कितना हमको कम पैसा मिला, यानी ₹20,000 हमको कम मिला, यानी कि 20,000। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके वहाँ भी आप हमें बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम रेलवे NTPC और रेलवे NTPC का फर्स्ट फेज और NTPC का सेकंड फेज, रेलवे ग्रुप डी, UPSI, UP SSSC से रिलेटेड जो वैकेंसी आने वाली हैं, उन सभी के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रवीना और सुनीता के पास कुल ₹127 हैं। सुनीति और अविनाश के पास ₹153 हैं, जबकि अविनाश और रवीना के पास ₹160 हैं। रवीना के पास कुल कितना रुपया है, हमको ये बात बताना है। तो सबसे पहले रवीना दोस्तों यहाँ पे कहा गया है, रवीना को हमने क्या किससे डिनोट कर लिया, आर से। फिर जो सुनीति है इसको हमने लिख लिया दोस्तों क्या, सुनीति को हमने एस से डिनोट कर लिया। फिर उसके बाद रवीना, सुनीति और फिर अविनाश कहा गया है। अगला नाम है अविनाश, अविनाश को हमने ए से डिनोट कर लिया। अब देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो जैसे कहता जाए वैसे हम करते चले जाएंगे। सबसे पहले कहा गया रवीना और सुनीता के पास कुल ₹127 हैं, यानी कि आर और एस के पास टोटल कितने रुपया हैं, ₹127 हैं। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। फिर अगला कहा गया सुनीता और अविनाश यानी कि एस प्लस ए के पास कितने रुपया हैं, ₹153 हैं। ये हो गया ऑप्शन सेकंड हो गया, जबकि अविनाश और रवीना के पास, अब दोस्तों अविनाश और रवीना ए और आर के पास टोटल कितना बताया गया है, ₹160 हैं, ये बता दिया गया ऑप्शन नंबर थर्ड। तो हमको बताना है रवीना के पास टोटल कितने रुपये होंगे, यानी कि हमको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम किसी एक से क्या करते हैं, किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम ऑप्शन एक फर्स्ट को ले लें तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट लिया तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा आर बराबर, अगर हम बनाएं तो ये बन जाएगा हमारा 127 माइनस एस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 127 माइनस हमारा एस हो जाएगा। ये यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, आर की वैल्यू निकाल लिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम आर की वैल्यू किस में पुट कर दें, ये थर्ड ऑप्शन में आर की वैल्यू पुट कर दें, तो ये तो हमारा ए ही रहेगा, और आर की वैल्यू इस जगह पे हम पुट करें कितना, 127 माइनस का एस बराबर हमारा 160 दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस एस बराबर हो जाएगा हमारा
160 माइनस 127 हो जाएगा। जब हम 160 से 127 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 33 आ जाएगा। ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये एक नया विकल्प ऑप्शन दे देते हैं, समीकरण देते हैं, इसको फोर्थ समीकरण देते हैं। तो यानी कि ए माइनस एस कितना आ गया, 30, 33 आ गया। अब हमको अगर हम यहाँ पे समीकरण जो हमारा है, यानी कि इक्वेशन हमने सेकेंड ले लिया और इक्वेशन हमने यहाँ पे फोर्थ ले लिया, और इन्हीं इक्वेशनों को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इक्वेशन हमारा सेकंड है दोस्तों s प्लस ए, तो अगर इसको हम इस प्रकार लिख लें, a प्लस ए लिख लें, a प्लस s लिख लें, बराबर कितना हमारा दिया गया है 153, हमने ये रख लिया। फिर दूसरा इक्वेशन यानी फोर्थ इक्वेशन दिया गया है a माइनस s, तो हमने a माइनस s रख लिया। और फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे 100 कितना दिया, 33 दिया, हमने 33 रख लिया। अब दोस्तों यहाँ से हमको निकालना क्या पड़ेगा, यानी कि हमको R का मान निकालना है, तो हमको R का मान निकालने के लिए S की वैल्यू पता चल जाए, तो हम यहाँ पे S की वैल्यू रख दें तो हमारा R का मान निकल आएगा। तो S का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, A को कट करते हैं। A को कट कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे घटाने पर, तो इसको चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से A और A कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2S बराबर इनमें से 153 से हम जब दोस्तों 33 घटाएंगे, तो 3 से 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 5 से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 1 हमारा 120 आ जाएगा। यानी कि फाइनली S बराबर आ गया 2×12 यानी कि 60 आ गया हमारा S की वैल्यू। अब दोस्तों हम यहाँ से R की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, तो R बराबर 127 माइनस कितना था S, S का मान हमने रख दिया 60। अब 127 से जब हम 7 घटाएंगे, 7 से 0 घटाएंगे दोस्तों 7 आ जाएगा, इधर बच्चा हमारा 12 से 6 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 67 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो 67 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, इसलिए दोस्तों 19 का सी हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि एन के पास के से पी अधिक धन था, एन और के दोनों की कुल धनराशि क्यू है, के के पास कितना धन होगा, हमको ये बात बताना है। यहाँ पे कहा गया है एन के पास जो होगा वो के से पी अधिक धन होगा, किससे अधिक धन होगा, के से पी अधिक धन होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि जो एन के पास धन होगा, तो हमने एन लिख लिया, एन के पास जो धन होगा के से पी अधिक होगा, एन के पास मान लो के धन था, अब इसमें कहा पी अधिक धन होगा, तो हमने क्या किया यहाँ पे पी जोड़ दिया, क्या किया दोस्तों पी जोड़ दिया। तो अब अगर हम अगला स्टेप देखें, फिर कहा गया है n और k दोनों की कुल धनराशि q है, अब यहाँ पे कहा गया है n और k की कुल धनराशि, यानी कि कुल दोनों जोड़ देंगे, कुल धनराशि कितनी है दोस्तों q है, तो हमने q रख दिया। तो k के पास कितना धन होगा, हमको k का मान निकालना है, किसका मान निकालना है दोस्तों k का मान निकालना है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर यहाँ से हम मान लेते हैं ये जो n का मान हमारा बन गया है k प्लस पी, इस इक्वेशन में हम रख देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, n का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, तो यहाँ पे आ जाएगा k और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस का p, फिर प्लस हमारा k दिया ही है, बराबर हो जाएगा q, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2k बराबर इधर आ जाएगा q माइनस का p हो जाएगा। हमको k का मान निकालना था, इसलिए k बराबर हो जाएगा q माइनस p बटे हो जाएगा 2। तो k का मान कितना आ गया, q माइनस p बटे कितना आ गया 2। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे किसके साथ राइट हो जाएगा, q माइनस p अपान का 2, ऑप्शन नंबर d के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि सुमन साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं, सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करता है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपया अर्जित हुआ, तो साक्षी का भाग हमको बताना है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत साधारण और सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले तीन नाम बताए गए हैं, हम इन तीनों नामों को लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है सुमन, हमने सुमन लिख लिया, फिर यहाँ पे दोस्तों हमने साक्षी लिख लिया, और फिर यहाँ पे हमने दोस्तों मयंक लिख लिया। अब यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, तीन नाम दिए गए हैं, इन तीनों नामों में हम क्या करेंगे, कहा गया है सुमन साक्षी से 5 गुना बड़ा है, यानी कि जितनी भी साक्षी बड़ी होगी उसका 5 गुना सुमन बड़ी हो जाएगी। फिर कहा गया मयंक के निवेश का 3/5, अब यहाँ पे फिर कहा और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में बताया है, एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चनों में, यहाँ पे अब नाम जब बटेटे के रूप में आ जाए, तो यहाँ पे सबसे पहले नाम लिया गया साक्षी का, फिर मयंक का नाम लिया गया, पहले साक्षी फिर मयंक, और यहाँ पे 3/5 वैल्यू, पहले नाम साक्षी तो पहला वैल्यू हो जाएगा 3 साक्षी के लिए, साक्षी के लिए हमने क्या रख दिया 3, और मयंक अगला नाम है तो मयंक के लिए यहाँ पे 5 नाम रख दिया,
पांच वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा है सुमन साक्षी मयंक साइदार्थ, सुमन जो है साक्षी से पांच गुना, अब साक्षी का पांच गुना सुमन हो जाएगा तो इसमें पांच गुना कर देंगे तो पांच ही पंद्रह हो जाएगा, यानी सुमन का हो गया पंद्रह हो गया। अब कहा गया है वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपया होता है, तो साक्षी का लाभ हमको ये लाभ बताना है, तो कुल लाभ कितना बताया गया 23,000, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, 15, 5, 20, 1, 23 हो जाएगा, इनको सबको ऐड करने में 15, 5, 20, 3, 23 बराबर आ जाएगा हमारा 23,000 के, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा दोस्तों 1,000 के हो जाएगा। जब 1 बराबर हमारा 1,000 के तो 3 बराबर किसके हो जाएगा, 3 बराबर हमारा 3,000 के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है यहाँ पे कहा गया है कि मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1,00,000 रुपये निवेश किए, कुछ महीने बाद सोहन 40,000 रुपये लगाकर उसका साझेदार बन जाता है, वर्ष के अंत में दोनों में कुल लाभ 3:1 में बांटा जाता है, सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी शुरू की, हमको ये बात बतानी है। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो कहा गया है मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1,00,000 रुपया निवेश करता है, तो यहाँ पे एक नाम दिया गया है मोहन और दूसरा नाम दिया गया है यहाँ पे सोहन, एक नाम मोहन और दूसरा नाम क्या बताया गया है दोस्तों सोहन। तो मोहन जो है कितना रुपया निवेश करता है, 1,00,000 रुपया का निवेश करता है। अब दोस्तों यहाँ पे 1,00,000 रुपया निवेश कर दिया, अब कुछ महीने बाद सोहन 40,000 रुपया निवेश कर देता है, हमने यहाँ पे 40,000 निवेश करा दिया, उसका साझेदार बन जाता है वर्ष के अंत में। अब दोस्तों एक मेन बड़ी बात हमको क्या मिल गई, यहाँ पे कहा गया है वर्ष के अंत में, इसका मतलब किसकी बात बताई गई है, एक वर्ष की बात बताई गई है, तो एक वर्ष में हम जानते हैं 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे मोहन का जो यानी कि ये 1,00,000 रुपया लगा था ये पूरा 12 महीने के लिए लगा था, लेकिन सोहन का उसने बताया है कि वर्ष के कुछ महीने बाद वो 40,000 रुपया लगाता है, यानी कि पूरे समय के लिए नहीं लगाता है, कुछ महीने बाद मोहन के कुछ महीने बाद व्यापार में शामिल होता है। तो अब अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 12 महीने का हमारा टोटल समय है और उसको हम कुछ भी मानेंगे, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, तो 12 से हम उतने महीना कम कर देंगे, तो हमने माना एक्स महीना, तो 12 से हम क्या करेंगे एक्स को माइनस कर देंगे। तो अब दोस्तों अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये 4 जीरो और ये 4 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, अब 4 से इसको कट कर दें तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, तो 10 × 3 यहाँ पे आ गया 30, अनुपात ये बन जाएगा 12 माइनस एक्स बन जाएगा। तो अब यहाँ फाइनली हमारा बन जाएगा 30/12 माइनस एक्स बराबर, और यहाँ पे जो हमारा अनुपात दे रखा है 3:1 दे रखा है, तो हमने 3:1 रख दिया, यानी 3/1 बन गया, 3 से इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 10 हो जाएगा, 12 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 हमारा बन जाएगा। तो एक्स बराबर हम यहाँ बनाएंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x इधर जाएगा तो प्लस में x हो जाएगा, 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 2 आ गया, यानी कि 2 मंथ, ये हमारा क्या आया है महीना आया है दोस्तों, क्या महीना, 2 महीने बाद ये व्यापार में शामिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि XYZ कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों में एक्स वाई और जेड में क्रमशः 1/3, 1/2 और 1/6 के अनुपात में बांटनी है, यदि जेड को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपये प्राप्त होता है तो वाई द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात हमको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 कंपनियाँ हैं, एक कंपनी एक्स है, दूसरी कंपनी वाई है, तीसरी कंपनी यहाँ पे जेड है, और इनका जो अनुपात दे रखा है एक्स का 1/3, इसका 1/2 और इसका 1/6 दे रखा है। तो आपको मैंने बता रखा है दोस्तों यहाँ पे जब बटे के रूप में आ जाए तो इनको हम साधारण अनुपात बनाने के लिए क्या करते हैं, हर का लासा ले लेते हैं, और जो लासा लेने पे आएगा उसी का अंश सभी अंशों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने 3, 2, 6 का लासा लिया, 6 आया, और 6 का सभी में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 3×2 = 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2×3 = 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6×9 = 6 हो जाएगा। अब इनका फाइनली अनुपात जो हमारा बना एक्स वाई जेड का, यहाँ पे बना 2 और यहाँ पे बना 3 और यहाँ पे बना हमारा 1, तो फाइनली इनका अनुपात आ गया 2:3:1। अब यहाँ पे बताया गया है जेड का हिस्सा कितना है 1,76,802, और यहाँ पे जेड हमारा कितना दिया गया है 1, तो यानी कि 1 बराबर दिया गया है 1,76,802 दिया गया है, ये 1,76,802
एक बराबर 1,76,802 दिया गया, तो हमको y का पूछा है, तो y हमारे यहाँ पे कितना दिया है 3, तो हम क्या करेंगे 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 0 = 3, 8 = 24 की दोस्तों हो जाएगी 4, कैरी हुआ 2, 3 × 18 = 20, कैरी हुआ दोस्तों 2, और 3 × 7 = 21, 21 में दोस्तों जो 2 जोड़ेंगे 23, 23 हमारा कैरी हुआ फिर दोस्तों 2, और फिर 3 × 1 = 3, 2 = 5, यानी कि 5,30,406 रुपया, 5,30,406 रुपया ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच हो रहा है, ये हमारा निकल आया दोस्तों वाई का। तो इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे फर्स्ट 23 का ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा, और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया था, कहा गया था कि 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के 4थाई। तो पहले भाग के दोस्तों कितना कहा गया है, पहले भाग के 7वें, तो पहले भाग के 7वें तो यानी कि फर्स्ट बाई 7 हो जाएगा। दूसरे भाग के दोस्तों क्या कहा गया है, दूसरे भाग के 5वें, तो ये हमने बटे 5 कर दिया। फिर कहा गया तीसरे भाग के 4थाई, तो यहाँ पे तीसरे भाग का ये हो जाएगा 4थाई यानी कि 4 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो आपको मैंने पिछले ऐसे क्वेश्चन में बता रखा है, जब इस प्रकार का आ जाए कि यानी कि ए बटे इतना, बी बटे इतना, सी बटे इतना, या फर्स्ट बटे इतना, सेकंड बटे इतना, थर्ड बटे इतना, तो हमारा फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो थर्ड का अनुपात जैसा दिया गया वैसा लिख लेते हैं, 7:5 दोस्तों 4 हो जाएगा। तो हमारा रेशियो इनका ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 1600 को 3 भागों में बांटना है, तो इन तीनों को हम योग कर देते हैं, तो 7, 5, 12, 12, 4, 16 हो जाएगा। तो 16 बराबर आ जाएगा हमारा 1600 के, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 100 के, 1 बराबर कितना हो जाएगा 100 के। तो हमको तीनों को भाग निकालना, तो बारी बारी से इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 100 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 700 बन जाएगा, ये बन जाएगा 500 बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 400 बन जाएगा। 700, 500, 400 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि 3740 को 3 भागों में इस तरह से विभाजित कीजिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 है, 1/6 भाग आपस में बराबर हों। तो हमको क्या करना है, इनका वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, सेम अभी जैसे जस्ट हम पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यहाँ पे कहा गया पहले भाग का दोस्तों कितना बताया गया है, आधा, तो ये हो गया। अब फिर दूसरे भाग का दोस्तों कितना कहा गया है, दूसरे भाग का 1/3, हमने 1/3 कर दिया, और तीसरे भाग का 1/6, तो हमने यहाँ पे तीसरे भाग का 1/6 कर दिया, आपस में बराबर है, हमने इनको सबको बराबर भी कर दिया। अब 2, 3, 6 अब हमने बता रखा है अभी, जब कभी भी इस प्रकार का आए तो इनका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो इनका सेम जैसे दिया गया है वैसे ही इनको हम रख देते हैं, 2, 3 और 6, इनका रेशियो हमने निकाल लिया 2, 3, 6। अब कहा गया है आपस में बराबर हैं, तो कहा गया तो क्या करेंगे, इन सबको हम अब ये 3740 रुपये को 3 भागों में बांटना था, तो हम इन सबका योग करके 3740 के इक्वल कर देंगे, 6 × 3 = 9, 2 = 11 हो जाएगा। तो 11 बराबर आ जाएगा हमारा 3740 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 11 × 3 = 33, 11 × 4 = 44, 340 के हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 340 के। तो जब 1 बराबर 340 के दोस्तों, तो हमको सभी का भाग निकालना, तो 340 का इन सभी में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो 34 × 2 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, यानी कि 680 बन जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा 3 × 0 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 = 10, यानी कि 1020 बन गया। और यहाँ पे दोस्तों बन जाएगा हमारा कितना बन जाएगा, यहाँ पे 600, 6 × 24 = 4, हाँ से लगा 2, 6 × 3 = 18, 2, यानी कि यहाँ पे 20 हो गया, यानी कि कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे बन गया, यानी कि 680, 1020 और 2040, 680, 1020, 2040 ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि एक भागीदारी फर्म में तेजल की हिस्सेदारी 40% है और अशांक की हिस्सेदारी 60% है। औसतन यदि तेजल वार्षिक तौर पर 1,00,000 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो अशांक कितना लाभ अर्जित करेगा। यहाँ पे बताया गया एक कोई फर्म है, वहाँ पे तेजल की हिस्सेदारी, यहाँ पे एक नाम बताया गया दोस्तों तेजल और दूसरा नाम अशांक बताया गया, हमने यहाँ पे अशांक एक नाम लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि इनकी हिस्सेदारी, तेजल की हिस्सेदारी 40% है, 40% हमने रख दिया, फिर अशांक की हिस्सेदारी 60% हमने यहाँ पे 60% रख दिया,
औसतन यदि तेजल वार्षिक तौर पर 1 लाख रुपए का लाभ अर्जित करता है तो अशांक कितना लाभ अर्जित करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इनको हम सिंपल कर लें, अनुपात बना लें, तो ये परसेंट से ये परसेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा जो इनका रेशियो आया तेजल और अशांक का 2:3 आया। कितना आया दोस्तों? 2:3 आया। अब इस 2:3 में हम जानते हैं कि ये जो तेजल है, तेजल हमारा 2 दिया गया है, तो इस 2 बराबर दिया गया है, इसका लाभ कितना है? 1 लाख रुपया। कितना है दोस्तों यहाँ पे? 1 लाख रुपया है, ये रख दिया है। यानी कि दोस्तों ये 1 लाख नहीं दिया गया, ये तो 10 लाख दिया गया है दोस्तों। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 लाख, ये 10 लाख दिया गया है। तो सॉरी दोस्तों, इसके लिए हमने जो 1 लाख इसको पढ़ा, यानी कि ये 10 लाख दिया गया है। तो अब यहाँ पे हम 1 बराबर निकालेंगे, तो 2 × 5 = 10, और यहाँ से हम कितने जीरो बनाएंगे? 5 जीरो बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारा 5 लाख हो गया। जब 1 = 5 लाख है, तो यहाँ पे हमको 3 बराबर निकालना है, तो 15 लाख बन जाएगा। तो ये कितना निकल आएगा शशांक का? अशांक का 15 लाख हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे किसके साथ राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे, यानी कि 15 लाख, यानी कि डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, ये दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए 8,000 रुपया का निवेश किया, और दुर्बा ने 8 महीने के लिए 7,000 रुपया का निवेश किया, उनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात बताइए। यहाँ पे 2 नाम बताए गए हैं दोस्तों। एक तो नाम बताया गया पूर्वा, और एक नाम बताया गया है दुर्बा। ये 2 व्यक्ति हैं, और इनमें कहा गया है कि पूर्वा 7 महीने के लिए 8,000 रुपया लगाती है, तो हमने ये 8,000 रुपया लगा दिया। दुर्बा जो है ये भी 8 महीने के लिए 7,000 रुपया लगाती है। तो इनका हमको बताना है लाभ का अनुपात बताना है। तो ये 3 जीरो कट गए, 8 से ये 8 कटा, 7 से ये 7 कटा, तो इनका फाइनली अनुपात आ गया 1:1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था इस चैप्टर में, यानी इस बुक में। टोटल इस चैप्टर से रिलेटेड 27 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से हम लोगों ने 27 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, और इसके बाद अब हम लोग कोई दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।